बिसम राहमानी रहीम स्टूडेंट एफ एस सी का चैप्टर नंबर टू लेक्चर नंबर टू जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेबल्यूशन के स्टूडेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेबल्यूशन हमारे पास क्या होती हैं ये अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके पास आती हूँ कि टाइप्स ऑफ क्लासीफिकेशन क्या है ठीक है सबसे पहले मैं क्या डिस्कस करती हूँ टाइप्स ऑफ क्लासीफिकेशन देन हम जाएंगे टेबुल्यूशंस की तरफ कि हमारे पास टेबुलेशंस क्या है कि हम कहते हैं प्रजेंटेशन ऑफ डेटा क्लासीफाइड अंडर सूटेबल हेड्स एंड सब हेड्स मतलब कॉलम्स एंड रोज में अगर हम टेबल को डिवाइड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द टेबुलुशन के हम एक टेबल में उसको प्रजेंट कर रहे होते हैं अच्छा टाइप्स ऑफ क्लासीफिकेशन क्या आ जाता है कि हम कहते हैं डेटा मे बी क्लासीफाइड बाई वन टू थ्री और मोर करेक्टरिस्टिक एट अ टाइम ठीक है हमने यहाँ डिस्कस करना है करेक्टरिस्टिक्स को ठीक है मेन चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है हमारे पास क्या होता है करेक्ट करेक्टरिस्टिक्स अगर हम आ, अपने डेटा को वन करेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं अगर टू में कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं थ्री में कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं ये मैं अब आप आपको बताती हूँ देखिए मेन चीज इधर क्या आ गया करेक्टरिस्टिक हम कहते हैं डेटा आर क्लासीफाइड बाई वन करेक्टरिस्टिक क्लासीफिकेशन इज सैड टू बी वन वे क्लासिफिकेशन अगर हम डेटा को क्लासीफाइड कर रहे हैं वन वन करेक्टरिस्टिक्स में तो दैट इज कॉल्ड द वन वे क्लासीफिकेशन क्या कहते हैं वन वे क्लासिफिकेशन कहते हैं अगर हम डेटा को क्लासिफाइड कर रहे हैं अच्छा इसकी एग्जांपल भी मैं दे देती हूँ अगर मैं डेटा को फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री में बी क्लासिफाइड बाय रिलीजन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के साथ इसको स्पेसिफाइड कर रही हूँ करेक्टरिस्टिक के साथ दैट इज कॉल्ड वन वे क्लासीफिकेशन ये मेरे पास क्या आ जाता है वन वे क्लासिफिकेशन क्योंकि मैं ओनली वन करेक्टरिस्टिक्स के साथ इसको डिवाइड कर रही हूँ अगर मैं डेटा को डिवाइड कर रही हूँ कि वैन वी क्लासीफाइड डेटा और टू करैक्टरिस्टिक्स अगर Two characteristics at a time, malaria, At a time. Either we are discussing uh, when we study only discussing the one characteristic is called the one way classification. Again, my population could religious describe uh, दिस्क, दिस्क, that is called the one way classification. Again, my characteristics could study two characteristics at a time. At a time, we are studying the two characteristics is called the two-way classification. It's, it's called two-way. क्लासिफिकेशन तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी टू वे क्लासिफिकेशन अब इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर पॉपुलेशन को डिस्कस कर रही हूँ तो मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ कि एक तो रिलीजन डिस्कस कर रही हूँ ठीक है साथ में मैं क्या डिस्कस करती हूँ कि फॉर uh, एग्ज़ाम्पल मैंने पॉपुलेशन लिया पॉपुलेशन का मैंने डिस्कस किया कि रिलीजनस कितने हैं साथ में मैं देखती हूँ कि मेरे पास अगर मैंने देखना है कि जो एजुकेटेड पर्सन हैं ठीक है कि एजुकेटेड पर्सन कितने हैं इनमें तो वो भी मैं साथ

क्लासिफिकेशन अब इसमें क्या है कि मैं अगर पापुलेशन कोई ले रही हूँ उसमें रिलीजन डिस्कस कर रही हूँ उसमें एजुकेशन यहाँ मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ अगर रिलीजन डिस्कस कर रही हूँ साथ में एजुकेशन डिस्कस कर रही हूँ तो आ, साथ में मैं लोकेलेटी भी ले रही हूँ कि वो रहते कहाँ कहाँ हैं जो चीज़ आ, आ रहे हैं किन किन सिटीज़ में तो ये मेरे पास आ जाएगा थ्री वे करेक्टरिस्टिक अब अगर मैं डिस्कस करती हूँ बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन को मैनी क्लासेज uh, में डिस्कस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा क्लासेस में डिस्कस कर रही हूँ मतलब मैनी करेक्टरिस्टिक्स ले रही हूँ दैट इज़ कॉल्ड मैनी फोल्ड वे ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं हमारे पास आ जाएगा कि इफ़र इन क्लासिफाइंग क्वालिटेटिव डेटा वी मे डिड अ वन क्लासेसिंग द करेक्टरिस्टिक एंड अदर अदर नॉट प्रोसेसिंग दिस इज द टू फोर डिवीजन और डेचुटोमी व्हिच इज कटिंग टू फॉर एग्जांपल इफ वी आर स्टडिंग द लिटरेसी ऑफ द पॉपुलेशन ये वो टू टू uh, वे का बता रहे हैं अच्छा टू वे को टू वे जो क्लासीफिकेशन है ना इसको आप एक बोलते हो डैचुटॉमी क्लासीफिकेशन भी कह सकते हो ठीक है और थ्री वे को आप ये भी भी बोल सकते हो ट्रेचूटॉमी ठीक है ट्राई थ्री से आया ट्रे ट्रेचू ट्रेचूटॉमी एंड अगर आ वेन वी आर डिवाइडिंग लैक्टरिस्टिक मेनी सब क्लासेस इज कॉल्ड द मैनी फोल्ड डिविजन या हमारे पास क्या आ जाएगा मैनी फोल्ड डिवीज़न ठीक है कि हम इसको बहुत ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स में डिवाइड करें दैट इज़ कॉल्ड मैनीफुल डिवीजन जैसे कि हम कैटेगरीज ले रहे हैं डिफरेंट तो फिर उसको हम कहते हैं मैनीफुल डिवीजन जिसमें हम मोर देन जो है क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं या करैक्टरिस्टिक उसके ले रहे होते हैं अब ये तो हमारे पास आ आगे टाइप्स ऑफ द क्लासीफिकेशन जिसको आपने अच्छा स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखा करो इस तरह जो आप चीज़ें याद रखते हो ना आपको बहुत ज़्यादा वो ईजी हो जाती हैं और याद करने में भी आसानी रहती है और जब भी आप किसी चीज़ को डिस्कस करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करो <coughs> उसके बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो एंड देन एग्ज़ाम्पल मस्ट दो ठीक है आप एग्जाम्पल देते हो ना एक तो आपका लिखा हुआ जो है पढ़ा हुआ वो अच्छा लगता है एग्जामिनर्स को फिर एग्जामिनर को भी क्लियर हो जाता है कि वाकई स्टूडेंट्स को इतनी नॉलेज है कि ये रिटर्न नहीं लगा रहा है बल्कि ये इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है तो उसके भी अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो आपने जब भी किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है तो अच्छी डेफिनेशन दो प्रॉपरली क्लियरली फर्स्ट डेफिनेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए ताकि पता चले विद एग्जाम्पल और फिर अगर आप इस चीज़ को एक्सप्लेन एक्सप्लेन भी करें तो एक एक एग्जांपल साथ दो ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है आपका जो टॉपिक है वो बेसिकली क्लियर हो जाए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो आपके पास आ जाता है टेबुलेशन अब हम ये बताते हैं कि हमारे पास टेबुलेशन क्या है ठीक है सेकंड जो हमारे पास टर्म है दैट इज कॉल्ड टेबुलेशन अब हमारे पास टेबल्यूशन क्या है ठीक है हम कहते हैं कि आ टेबल इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन टू वर्टिकल कॉलम्स एंड वर्टिकल रोज ठीक है हॉरिजोंटल रोज अब हमारे पास क्या है कि वन डेटा आर डिवाइड इन टू कॉलम एंड रोज और कॉल द टेबुल्यूशन ठीक है अब हमारे पास जो टेबल होता है वो आपके पास क्या होता है उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं जिसकी वजह से आप एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट करके अपने डेटा को क्या आप करते हो प्रेजेंट करते हो सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करके आप अपने डेटा को क्या करते हो प्रेजेंट करते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और बहुत ही अच्छे इफेक्ट पढ़ने वाले देखने वाले पे भी असर करते हैं कि जो बहुत अच्छे तरीके से आपने डेटा को प्रेजेंट किया हुआ है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ टैबुलेशन हमने क्या पढ़ा है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इंटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ टेबुलेशन टेबुलेशन में बी सिंपल डबल ट्रिपल कम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन वैन टैबुलेशन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू वन वे क्लासिफिकेशन इट इज कॉल्ड अ सिंपल Tabulation. देखो अब यहां भी हमारे पर आ गया। अगर हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है ठीक है हमारे पास क्या है? अगर जो क्लासिफिकेशन हो रही है वो वन वे है क्या है वन वे क्लासिफिकेशन है देन हमारे पास जो टेबल है इट्स कॉल्ड अ सिंपल टेबुलेशन क्या आएगा? सिंपल टेबुलेशन आ जाएगा अगर हमारे, अगर हमारे पास टेबुलेशन इज डबल व्हेन इट कोरिस्पोंडिंग टू टू वे क्लासिफिकेशन अगर हमारे पास टू वे क्लासिफिकेशन है टू वे क्लासिफिकेशन देन हम इसको क्या कहते हैं डबल टेबुलेशन अगर हमारे पास कह है कि ट्रेबल्यूशन इज डबल इट्स कॉल्ड द टू वे क्लासिफिकेशन मैन टैबोल्यूशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू मनी फोल्ड क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड complex tabulation. अगर हमारे पास क्या है मैनी फोल्ड क्लासीफिकेशन है मैनी फोल्ड क्लासिफिकेशन तो इसको हम क्या कहते हैं complex कम्प्लेक्स टेबोशन कहते हैं उसको क्या कहते हैं कंप्लेक्स टेबोल्यूशनस हमारे पास आ जाती है तो ये मेन चीज़ें आपने ऐसे याद रखनी है ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड कर सको अपनी आ, जो भी वैल्यूज हैं उनको ठीक है अब देखो हमारे पास टेबुलूशन ऑफ डेटा ऑन द पॉपुलेशन ऑफ़ द कंट्री क्लासीफाइड बाई वन करेक्टरिस्टिक रिलीजन और मैरिटल स्टेट इज़ इज़ एन एक्जाम्पल ऑफ सिंपल टैबुलेशन अगर हम रिलीजन ले, ले लेते हैं फिर मैं एग्जाम्पल साथ देती जाती हूँ अगर मैं रिलीजन के साथ आपका क्या ले रही हूँ अगर मैं ले रही हूँ मैरिटल स्टेटस कितने मैरिड हैं कितने सिंगल हैं क्या है तो वो मेरे पास क्या आ गया कि मैं वन वे क्लासिफिकेशन कर रही हूँ इट्स कॉल्ड अ सिंपल टेबुलेशन टू वे क्लासिफिकेशन में क्या आ जाता है कि अगर आप रिलीजन मैरिटल स्टेटस ले रहे हो ठीक है और साथ में आप सिक्स बता रहे हो कि आपके पास मेल हैं फीमेल हैं देन वो हमारे पास क्या आ जाता है टू वे क्लासिफिकेशन या डबल क्लासिफिकेशन आ जाते हैं इसी तरह अगर हमने मैनीफोल्ड में लेना है जिसमें हम एज अब देखो मैनीफोल्ड कंप्लेक्स में क्या आ जाएगा आप एज भी डिस्कस कर रहे हो रिलीजन भी डिस्कस कर रहे हो ठीक है आप मैरिटल स्टेटस भी देख रहे हो आप साथ में क्या देख रहे हो सिक्स भी देख रहे हो कि मेल हैं फीमेल्स हैं एक्स्ट्रा तो ये आपके पास क्या आ जाता है कम्पलेक्स टेबुलेशन ज़्यादा जो जा है जिसमें मैनी फोल्ड क्लासीफिकेशन आ जाती हैं तो ये आपके पास स्टूडेंट आ गया है टेबुलेशन इसी तरह इनशाला हम अब जो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल है मैं आपको टेबल बना के भी दिखाऊंगी फिर मैं बताऊँगी कि इसके मेन पार्ट्स ऑफ़ द टेबल्स क्या हैं या कौन सा पार्ट्स हमारे लिए किस चीज़ के लिए काम कर रहा होता है तो ये तमाम चीज़ें इनशाला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज